मैंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनने वाली मेरी बांजी थी। अच्छा। हाँ जी, तो वो इतनी रुकावट के मेरे लिए बद्दुआएं किया करती थी कि ये जिसने इस्लाम कबूल कर लिया हमारे मामू जान ने और हमारे बच्चे बच्चियों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जोलियां उठा के शेख साहब मेरे लिए बद्दुआएं की। मैंने जोलियां उठाए खा के उनके लिए दुआएं की और बिल आखिर मेरी दुआ उनकी दुआ पे गालिब आ गई। आप तमाम अहबाब के सामने तशरीफ ला रही हैं बेटी चांद अहमद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब के रोजे हमारे अमाल को कबूल फरमाए। मैं ना बड़ी रोतलू हूँ तो इसलिए मेरी आवाज शुरू में ही रोने वाली हो जाती है। हाँ, मैं वही इंसान हूँ जो वारिस मामू के लिए बद्दुआएं करती थी, लेकिन मैं अभी पीछे एक बच्ची को बता रही थी कि वारिस मामू अपनी झोली उठा के रातों को दुआएं करते होते थे कि चांद इस्लाम कबूल कर ले, तो दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। वो दुआएं जो अल्लाह से मांगी जाती हैं वो दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। मैंने अपनी 25 साल जिंदगी जो थी वो क्रिश्चियनिटी में अच्छी खासी प्रीचिंग में गुजारी। मैं चर्च में प्रीच करती थी, कलाम पेश करती थी। एक आप कह लें कि कट्टर मसीही थी मैं, और ऐसी मसीही थी जो वारिस मामू को यानी बोलने नहीं देती थी फैमिली में।